लोगों आज उन लोगों को बता देना है कि ये भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के सेना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसी से डरते नहीं है। आज आने वाले 13 मई को आप सभी इन लोगों को जवाब दीजिए जिन्होंने आपके विकास को रोकने का काम किया है, जिन्होंने आपको रोकने का काम किया है, आपके भविष्य को बर्बाद करने का काम किया है। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा कहती है कि भाई ये आदिवासियों की पार्टी है, जल जंगल जमीन की बात करती है, लेकिन आज सबसे ज्यादा अगर जल जंगल जमीन का किसी ने दोहन किया है, किसी ने सबसे ज्यादा इसको बर्बाद किया है, तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हैं। आज कहते हैं कि भाई 75% लोगों को हम लोग यहाँ पर काम दिलाएंगे, जो यहाँ के स्थानीय लोगों को, लेकिन आज भी हमारे यहाँ के युवा बेरोजगार है, आज भी हमारे यहाँ के युवा बाहर पलायन कर रहे, बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं। आज यहाँ के लोगों को अपने ही जमीन पर, अपने ही धरती पर, अपने ही झारखंड में आज इन लोगों को काम नहीं मिल रहा, लेकिन इस पर कभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं कहेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता कभी इस पर नहीं कहेंगे कि भाई यहाँ के लोगों को यहाँ रोजगार मिले। मैंने खुद कई बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कहा कि आप यहाँ के लोगों को यहाँ रोजगार दिलाने का काम करिए, तब मुख्यमंत्री ने क्या किया, सिर्फ एक ऑफर लेटर देकर के लोगों का मुंह बंद कर दिया। आज हमारे युवा दर दर भटक रहे हैं, हमारे झारखंड के युवाओं का भविष्य अगर किसी ने सबसे ज्यादा खराब किया है तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता नहीं चाहते कि यहाँ के युवाओं का भविष्य उज्जवल हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता नहीं चाहते कि यहाँ की माताएं बहने और सबल हो, जबकि आदरणीय मोदी जी ने हमारी महिलाओं को सबल बनाने के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई। आज महिलाओं को 33% आरक्षण देने का काम किया, आज स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हमारी दीदियों को सशक्त करने का काम आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। आज कई योजनाएं हमारे इस क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ गांव घर के अंतिम व्यक्ति तक, मैं बार बार कह रही हूँ इस शब्द को कि मोदी जी का कार्य अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है। आज गांव में जो सबसे ज्यादा हमारे गरीब लोग रहते हैं उन तक भी मोदी जी की योजनाएं पहुंचती है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की कोई भी योजना हमारे लोगों तक नहीं पहुंचती, क्योंकि वो हवा हवाई में बात करते हैं, सिर्फ हवा हवाई में ही उनकी योजनाएं चल रही हैं। आज इनके छलावे से, इनके झूठ से हमें बर्दाश्त हटाना है तो 13 मई को हम सभी प्रचंड बहुमत से, यानी कि कमल छाप पर अपना वोट दे, आदरणीय मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाए और इस क्षेत्र का स्वर्णिम विकास की दिशा में सार्थक पहल हम लोग करें, पहल करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भी आपने बहुत विस्तार अपने बातों पर रखे। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के नीति और सिद्धांत को मानते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा से सैकड़ों कार्यकर्ता, हमारे प्रदेश और राज्य के समाज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। लाइव कटा हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व नगर अध्यक्ष जितेंद्र आचार्य, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष जिला परिषद भोला मानती, जगबंधु आचार्य के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता और झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं सबको। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।